students, this is your SST class of class 6. So please open your books. Today we taught the chapter, we read the chapter 13, our earth and solar system. पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, अभी हम और इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर भी बाकी है. तो प्लीज़ अपने बुक्स ओपन कर लीजिए जल्दी से. तो पहला टॉपिक है आज का प्लैनेट्स ग्रह. ए प्लैनेट इज अ ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. हमारा प्लैनेट जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है. प्लैनेट जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है, वंडर. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में पूरे कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये उनके डिस्टेंस के हिसाब से कि सबसे पहले कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से. प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन. प्लैनेट ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सन के चारों ओर एक ही वे में मूव करता है, आगे पीछे हुए बिना, मतलब एक ही पाथ पे. प्लैनेट के पास अपना ना हीट होता है ना अपना लाइट होता है. वो एक सॉलिड मटेरियल और गैसेस से बना होता है जिसकी वजह से सन का लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करता है. पहला है हमारा मरकरी. मरकरी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन एंड नेपच्यून इज द फार्देस्ट. सबसे नज़दीक मरकरी है और सबसे दूर नेपच्यून है. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है. इन डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस द प्लैनेट्स आर. अगर साइज के हिसाब से हम प्लैनेट्स को देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. सबसे पहले है आपको जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी. तो सबसे बड़ा है हमारा जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, उससे छोटा अर्थ, उससे छोटा वेनस, उससे छोटा मार्स, उससे छोटा मरकरी. मतलब जुपिटर सबसे बड़ा और मरकरी सबसे छोटा है. वेनस जो है वो हमारे अर्थ में एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, चमकीले ऑब्जेक्ट की तरह है. आफ्टर द सन एंड द मून, सन और मून के बाद, मतलब सबसे ज़्यादा चमकीला सन है, फिर मून है और फिर वेनस. इट इज़ ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार व्हेन इट इज सीन इन द स्काई बिफोर सनराइज एंड इवनिंग स्टार व्हेन सीन इन द स्काई आफ्टर द सनसेट. इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है. मॉर्निंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सनराइज से पहले दिखाई देता है और इवनिंग स्टार इसलिए कि सनसेट के बाद दिखाई देता है. मार्स इज हैज़ अ रेडिश अपीयरेंस एंड इज रेफर्ड टू एज द रेड प्लैनेट. मार्स हल्का रेडिश टाइप, रेडिश कलर का दिखाई देता है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. सैटर्न हमारा 6th प्लैनेट है सन से बिल्कुल, तो इट हैज़ रिंग अराउंड इट. इसके पास अपना खुद का रिंग है और किसी प्लैनेट के पास रिंग नहीं है, सिर्फ सैटर्न के पास उसका अपना रिंग है. द प्लैनेट्स हैव सॉरी मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज इनर प्लैनेट्स व्हाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर नोन एज आउटर प्लैनेट. वेनस, मरकरी, अर्थ और मार्स ये सारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आउटर प्लैनेट. मतलब ये सारे सन के बहुत नज़दीक हैं, बाकी सारे सन के बहुत दूर. द प्लैनेट्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. हमारे प्लैनेट्स में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़े थे. एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन. रोटेशन में क्या होता है, सन अर्थ जो है वो अब एक ही एक्सिस पे चारों ओर रोटेट करता है, इसकी वजह से ईस्ट वेस्ट होता है, ठीक है, या दिन और रात होते हैं. दूसरा होता है रेवोल्यूशन. एक ही पाथ पे सन के चारों ओर जो अर्थ मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है और 365 1/4 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है. रोटेशन में देखिए लिखा है ऑल द प्लैनेट्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द रिवॉल्व अराउंड द सन दैट इज वेस्ट टू ईस्ट. हमारे सारे प्लैनेट्स हमारे सन के एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक वेस्ट से ईस्ट की तरफ. बट वेनस और यूरेनस जो है वो एक ही एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट टू वेस्ट में. हर एक प्लैनेट का अपना एक अलग पीरियड होता है, ठीक है, अपना एक अलग पीरियड होता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. जैसे देखिए आपके बुक में नीचे डायग्राम दिया हुआ है कि कौन से प्लैनेट को कितना समय लगता है, ड्यूरेशन ऑफ रिवॉल्व. देखिए मरकरी है पहला, 58 मिलियन किलोमीटर है सन से, और उसमें उस
रिवोल्यूट करने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 88 डेज, क्योंकि सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी है। वेनस को 108 मिलियन किलोमीटर अवे है, मतलब 108 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे सन से, और इसे टोटल 225 डेज पूरे लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अर्थ है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन एंड इट टेक्स 365 1/4 डेज। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसे एक साल 322 दिन लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। फिर है जुपिटर, जो कि 778 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसको 11 ईयर्स 315 डेज लगते हैं। नेक्स्ट है आपका सैटर्न, ये 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। सोचिए कि कितनी कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसे तो टोटल 29 ईयर्स 167 डेज लगते हैं हमारे अर्थ के रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के। उसके बाद है यूरेनस, 2870 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, इसका डिस्टेंस है 2870 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद इसे कितना समय लगता है? तो टोटल 84 साल 7 दिन, मतलब 84 ईयर 7 डेज। नेपच्यून जो सबसे ज़्यादा दूर है, उसका डिस्टेंस है 4497 किलोमीटर और इसे कितने पीरियड लगते हैं? 164 ईयर्स 264 डेज। आप देख सकते हैं कि सबसे कम में मरकरी रिवॉल्व करता है और सबसे ज़्यादा नेपच्यून। फैक्ट फाइल है, 2006 में प्लूटो को 9th प्लैनेट के रूप में देखा गया था, लेकिन इसका साइज इतना छोटा था कि ये ऑर्बिट के लिए सही नहीं था, तो इसको प्लैनेट्स के लिस्ट से हटा दिया गया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। अब है हमारा अर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारा अर्थ। हमारा अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और 3rd नियरेस्ट टू द सन, मतलब साइज में ये 5th नंबर पे है और नियरेस्ट में ये 3rd नंबर पे। ये स्फेरिकल शेप में है और दोनों ऊपर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हल्का फ्लैट है, मतलब समतल है, चपटा है थोड़ा सा। दिस शेप इज डिस्क्राइब्ड एज गियोइड, इसको गियोइड, इस शेप को हम गियोइड भी बोलते हैं। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। वाई इज लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ? हमारा अर्थ जो है एक यूनिक प्लानट है, क्यों? क्योंकि इसी पर लाइफ पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है वो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्यों हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल है और बाकी सारे जगहों पर नहीं है। तो पहला है सुइटेबल टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल है, इसकी वजह से हम यहाँ रह सकते हैं। The amount of heat received by planet depends upon its distance from the sun. The earth is neither too far from the sun nor too close to it. This is neither too hot like Mercury nor too cold like Neptune. The moderate temperature condition on the earth has favorable for planet, plants and animal life. ये क्या है ना, ना सन के ज़्यादा नज़दीक है लाइक मरकरी की तरह और ना ही नेपच्यून की तरह सबसे ज़्यादा दूर है। तो जो सन के नज़दीक होगा वो ज़्यादा गर्म होगा और जो सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे ज़्यादा ठंडा। हमारा अर्थ क्या है? बीच में है, ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है और प्लांट्स और एनिमल लाइफ के लिए ये टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर, हमारे अर्थ पे एटमोसफेयर है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई गैसेज, हमारा अर्थ जो है उसके चारों ओर बहुत सारे गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है। ये सारे जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स या हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए क्या है? पानी, वाटर है हमारे अर्थ पे। द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑन द अर्थ आर सच दैट अ वाटर साइकिल एग्जिस्ट, हमारा अर्थ का जो एटमोसफियर बहुत अच्छा है इसलिए भी कि यहाँ पे वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में क्या होता है? बारिश होती है, पानी नदी में लगते हैं, नदी में जो पानी लगती है तो फिर धूप निकलती है, धूप निकलने से क्या होगा, नदी का पानी भाप बन के फिर बादल बनेगा, बादल क्या होगा, भारी होकर फिर बारिश होगी, तो यही वाटर साइकिल होता है। ठीक है, इन फेस दैट द अर्थ लुक्स ब्लू इन कलर फ्रॉम आउटर स्पेस बिकॉज अबाउट 2/3 ऑफ दिट सर्विस इज कवर्ड विथ वाटर, दैट इज़ वाई इट इज ऑफन रेफर टू एज ब्लू प्लानट। अगर हम अपने स्पेस से देखें ना, अगर अर्थ से दूर जाके अपने अर्थ को देखें तो ये ब्लू कलर का लगता है। ठीक है, पूरा अर्थ हमारा ब्लू ब्लू दिखेगा क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी है और बहुत ही कम जो है वो लैंड है, इस वजह से इसको ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। अब है सैटेलाइट, हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द वर्ड सैटेलाइट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटल्स मीनिंग अ कंपेनियन और एन अटेंडेंट।
सैटेलाइट क्वार्ट जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है कि एक कंपेनियन या एक अटेंडेंट, मतलब उसको अटेंड करने वाला। प्लैनेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, देयर सैटेलाइट्स ऑल्सो एकॉम्पेनी देम इन देयर रेवोल्यूशन। प्लैनेट जो है ना वो हेवनली बॉडीज है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, तो उसको मदद करता है हमारा कौन सा, सैटेलाइट, उसको रिवॉल्व करने में, चारों रिवॉल्व करने में सैटेलाइट एक कंपनी देती है, उसको मदद करती है। लाइक प्लैनेट द सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव देयर हैव एनी लाइट और हीट ऑफ देयर ओन, द सन डिजाइन बाई रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ की सॉरी हमारे प्लैनेट्स की तरह है, हमारे सैटेलाइट के पास भी उनका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, इस वजह से क्या होती है सन की लाइट उसमें रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो और इससे वो चमकीला दिखता है। मरकरी एंड वेनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। हमारे प्लैनेट्स में ना मरकरी और वेनस एक ऐसा प्लैनेट्स है, दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके खुद के कोई सैटेलाइट्स नहीं है। सो आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।